जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर टीयर थ्री का एक्शन जो है वो स्टार्ट होने वाला है। जी हाँ, ये जो टीयर थ्री है वो हमारे जीएससी के थ्रू जो है वो अलॉट किए गए हैं और जीएससी के थ्रू जो है वो आ चुके हैं। तो अभी देखते हैं हमें किस तरीके से गेम प्ले हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा टीयर थ्री की स्क्रीम से। ये अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है वो दिया हुआ है। तो अभी देखते हैं क्या सीन है। और सबसे पहले तो चलिए टीम्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर टीम्स की अगर मैं बात करूँ तो देखिए बहुत ही शानदार शानदार यहाँ पर टीम आपको देखने को मिल रही हैं और ऐसी ही शानदार टीमें आपको देखने को मिलती रहेंगी। जी हाँ, तक अगर आप भी यहाँ पर टीयर थ्री का एक्शन ज्वाइन करना चाहते हैं तो सारे के सारे लिंक्स जो है वो आपके डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक कीजिएगा, वहाँ पर सारे लिंक्स दिए गए हैं। यहाँ पर अगर मैं टीम्स की बात करूँ तो देखिए कितनी शानदार शानदार टीम दिख रही है। स्लॉट 1 और 2 जो है वो टीम जीएससी के लिए ऑक्यूपाइड है। यहाँ पर स्लॉट नंबर 3 की अगर मैं बात करूँ तो एडीएस है। वहाँ पर टीम 4 डाकू, 4 ब्रदर, साइप्टिक कैस्टल, फिर टीम डीएन, टीम ईएक्सपी, टीम एवोल्यूशन, इन्फिनिटी, काम, एक्सपेरिमेंट, हाइस्ट, क्रिप्टिक, स्पेड, डेड, एनार्की, 4 फाइटर्स, एमसीडी, मैक्स, डायनामिक्स और बी फॉर यू। तो आज के ये जो स्लॉट हैं ये सारे आपके सामने अवेलेबल हैं और ये सारे स्लॉट जो है वो हमारे कम्पीट करेंगे टीयर थ्री के इस स्क्रीम्स में। तो देखते हैं कि टीयर थ्री की स्क्रीम्स जो हमने नाम इसका भले टीयर थ्री रहता है लेकिन सारी की सारी जो टीम यहाँ पर आती हैं वो बहुत ही खतरनाक आती हैं, क्योंकि जिस तरीके का माहौल और जिस तरीके का एक्शन ये लोग हमें दिखाते हैं वो बहुत ही बेहतरीन होता है। तो अभी देखते हैं कि किस तरीके का एक्शन हमें फाइनली यहाँ पर देखने को मिलेगा। और जीएससी की अगर मैं बात करूँ तो ये स्क्रिम्स जो है वो हमारे चैनल पर पहली बार जो है वो यहाँ पर आई हैं, तो देखना होगा कि किस तरीके से इनकी परफॉर्मेंस जो है वो रहती है यहाँ पर। और सबसे पहले तो चैट की बात कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर साइको गेमिंग वेलकम टू द स्ट्रीम, सागर जी वेलकम टू द स्ट्रीम, मिस्टर पोलोनियम वेलकम टू द स्ट्रीम, यहाँ पर कुलदीप वॉरवाल वेलकम टू द स्ट्रीम और फ्लक्स ओपीसर, आप सभी लोगों का स्वागत है स्ट्रीम में। ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, क्योंकि ये जो स्क्रीम्स है वो आज हमारी फर्स्ट टाइम जो है वो अलॉट की गई है। और देखिए मैच स्टार्ट हो चुका है, तो देखते हैं किस तरीके का मैच यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। बहुत ही प्यारी प्यारी टीम्स यहाँ पर ज्वाइन हो चुकी हैं। टोटल प्लेयर्स की अगर मैं बात करूँ तो जैसे ही लोड इन स्क्रीन से हम वापस जाएंगे वैसे ही हम टोटल प्लेयर्स के बारे में आपको जानकारी देना स्टार्ट कर देंगे यहां पर। और जो भी बंदा यहाँ पर ज्वाइन करना चाहता है वो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। आगे आने वाले स्क्रीम्स की जो इन्फो है वो उसी ग्रुप में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, तो उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि वो ग्रुप ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने वहाँ पर ग्रुप ज्वाइन कर लिया है तो फिर आपको बाकी की इन्फो जो है वो वहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए देखिए टोटल प्लेयर की अगर मैं बात करने वाला था, देखिए टोटल प्लेयर्स की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो 77 प्लेयर यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहे हैं। तो देखते हैं ये 77 प्लेयर जो है वो किस तरीके का गेम प्ले जो है वो आज हमें दिखाने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही खतरनाक सा माहौल मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर। क्योंकि अगर मैं टीम्स की बात करूँ तो देखिए कितनी सारी टीम्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। चलिए एक बार यहाँ पर टीम्स के बारे में देख लेते हैं एक बार। देखिए ये सारी टीम्स जो है वो आज कंपीट कर रहे हैं यहाँ पर। स्लॉट नंबर 7 की अगर मैं बात करूँ तो देखिए 7 की यहाँ पर बात करने की अगर मैं बात करूँ तो स्लॉट नंबर 7 पर जो स्लॉट हमारा अवेलेबल है वो अवेलेबल है यहाँ पर टीम डीएन के लिए, और डीएन की टीम 11 नंबर पर अवेलेबल भी है। मतलब जिसको जो स्लॉट हमने अलॉट किया है वो उसी स्लॉट में अवेलेबल है। ये सबसे बेहतरीन बात है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो जाता है यार कि फिर हम टीम को जो है वो स्पॉट नहीं कर पाते कि कौन से स्लॉट में अवेलेबल है। और जिनके भी ये क्वेश्चन है कि ये टीयर के जो स्क्रीम्स है वो कैसे ज्वाइन करने हैं, तो भाई सिंपल सा लिखा हुआ है यार, टाइटल में भी लिखा हुआ है, मैं दोबारा से बता देता हूँ आपको। स्क्रीम्स अगर आपको ज्वाइन करनी है ये टीयर थ्री वाली, तो उसके लिए आपको ज्वाइन करना होगा हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप। व्हाट्सएप ग्रुप के लिए जो लिंक अवेलेबल है वो आपका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो उस डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कीजिएगा और वहाँ पर लिंक से जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आप सारी टीम्स की लिस्ट जो है यहाँ पर आपके अवेलेबल है, जो कि डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। और सबसे पहले तो जिसने भी स्ट्रीम को अभी तक लाइक नहीं किया गाइस, फटाफट से स्ट्रीम को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारी टीम्स की जो कि आज हमारे यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही हैं। टीम की अगर मैं बात करूँ तो देखिए 22 टीमें यहाँ पर अवेलेबल हैं, और स्लॉट की अगर मैं बात करूँ तो पूरे पूरे यहाँ पर 22 स्लॉट जो है वो अलॉट किए गए थे, तो पूरे स्लॉट के पूरे प्लेयर यहाँ पर अवेलेबल मुझे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कुछ टीमें हैं यहाँ पर जो 2v4, 1v4 या फिर 3v4 के सीन में नजर आ रही है। जैसे काम की अगर मैं बात करूँ तो देखिए टीम काम यहाँ पर 2v4 करते हुए नजर आएंगे। टीम स्पेड की अगर मैं बात करूँ तो 1v4 इनका नजर आ रहा है। जीएससी के थोर यहाँ पर 1v4 करते नजर आएंगे। क्रिप्टिक की टीम यहाँ पर 2v4 करती हुई नजर आएगी। तो ऐसे ऐसी टीम्स का फाइट जो हमें देखने को मिलेगा। चलिए मैप की एक बार बात कर लेते हैं। मैप की अगर मैं बात करूँ तो देखिए सारे ही प्लेयर यहाँ पर कूद चुके हैं। जीएससी थोर बिल्कुल एंड में गिरे हैं ताकि वो
जो है वो शायद सब पे नज़र रख सके, कुछ इस तरीके का सीन होगा उनका, क्योंकि वो खेलना नहीं चाहते हैं, वो सीधे जो है वो वहाँ पर मर के शायद मुझे लग रहा है कि एंड में जो रिजल्ट आते हैं उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, शायद इसी तरीके की कुछ सोच रही होगी। चले यहाँ पर चलते हैं बी 48 टीम की तरह एस्ट्रो की अगर मैं बात करूँ तो देखिए एस्ट्रो आगे बढ़ते हुए और जैसे जैसे ये आगे जाते जा रहे हैं वैसे देखिए यहाँ पर कूद चुके हैं ये। तो चले यहाँ पर एक चीज़ पहले से ग्राफिक्स जो है वो थोड़े से बहुत एक्सट्रीम लग रहे हैं मुझे, जो कि इतना ग्राफिक्स एक्सट्रीम करने की ज़रूरत है नहीं। और जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि इम्यूलेटर जो है वो दोबारा से मेरा रीस्टार्ट री डाउनलोड किया था मैंने, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज जो है वो वहाँ पर हो रहे थे कल अगर मैं बात करूँ तो उस टाइम पे, तो लेकिन अभी वो इश्यूज को फिक्स कर दिया गया मैंने, तो वो देखते हैं कि किस तरीके से गेम चलेगा यहाँ पर। अगर इस लाइन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर काफ़ी सारे प्लेयर मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। देखिए डैड गुरी की अगर मैं बात करूँ तो इनके प्लेयर ने आके सामने वाली टीम को स्पॉट भी कर लिया है, पोचिंग की का ये माहौल है और पोचिंग की का माहौल हमेशा से ही खतरनाक होता है। देखिए एरो लिया हुआ है इन्होंने हाथ में, तो एरो किस तरीके से यहाँ पर ये यूज करेंगे ये भी हमें देखना ही होगा। तो चलिए ऊपर से देखते हैं। देखिए पोचिंग की का माहौल में हमेशा से यहाँ पर उछल कूद मस्त मचाई जाती है, जैसा कि आपको पता ही है लोग वॉल्स वगैरह पे चढ़ के रूफ टॉप पे चढ़ के जो है वो पूरा स्पॉट करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। इनकी टीम नंबर 16 के प्लेयर की बात करूँ तो देखिए अकेले हैं लेकिन पूरा का पूरा फाइट लेना चाहते हैं। देखिए बाकी के टीममेट इनके मुझे यहाँ कहीं आसपास दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो जिस तरीके से ये स्पॉट करने की कोशिश कर रहे हैं वो बहुत ही शानदार, क्योंकि अगर ये स्पॉट कर लेते तो अच्छी बात है, क्योंकि सामने वाली टीम की अगर मैं बात करूं तो देखिए पूरे के पूरे 4 प्लेयर वहां पर अवेलेबल हैं। तो अगर सामने की टीम में 4 प्लेयर हैं और आप अकेले हैं तो फिर आपको थोड़ा समझदारी भरी जो है वो गेम दिखानी पड़ेगी, क्योंकि अगर वो आपको नॉक मार देते हैं फिनिश कर देते हैं तो फिर आप डायरेक्टली फिनिश हो जाते हैं, आपके पास किसी भी तरीके का मौका नहीं रहेगा क्योंकि आपके टीम मेट आपसे बहुत दूर अवेलेबल हैं। जी हाँ चले यहाँ पर SQD की अगर मैं बात करूँ तो देखिए SQD के प्लेयर यहाँ पर अवेलेबल हैं, टीम नंबर 5 यहाँ पर अवेलेबल है। SJ की टीम की वहाँ पर फाइट हो गई है, एक प्लेयर को नॉकआउट भी कर दिया गया है। तो चलिए मैवरिक के पास चलते हैं क्योंकि टीम नंबर 12 जो है वो मुझे फाइट लेती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर क्रिप्टिक की टीम ने देखिए नी बॉय के एक ने जो है वो नॉकआउट मार दिया है। देखिए ये भी स्पॉट करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो है वो किसी प्लेयर को स्पॉट कर लिया जाए। यहाँ पर बिल्कुल ओपन में है, देखिए ओपन की अगर मैं बात करूँ तो DN के फ्रीक वाइटी, देखिए इनके पास कुछ भी नहीं है, लूट नहीं है, शायद इन्हीं का पीछा जो है वो टीम नंबर 12 के द्वारा किया जा रहा है। स्पॉट उन्होंने कर लिया है और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इनको जो है वो भागने ना दिया जाए और ओपन में ही देख के फिनिश कर दिया जाए, क्योंकि हर एक किल जो है वो मैटर करता है, जितने ज़्यादा किल्स आप रखेंगे उतने ही ज़्यादा आपके चांसेस होते हैं फिर टीयर अप करने के। जी हाँ Tier 3 में जिस तरीके के आप पॉइंट सिक्योर करते हैं वो मैटर करता है आपके Tier 2 में जाने का। तो जी हाँ वो एक सीढ़ी होती है वो पॉइंट्स, तो वो ही पॉइंट्स जो है वो आपको मेनली कलेक्ट करने रहते हैं। देखिए टीम B4U की अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने DN के एक प्लेयर को ऑलरेडी नॉकआउट यहाँ पर किया हुआ है और इनकी तरफ भाग भी रहे हैं स्पीड में। देखिए गन्स वगैरह सब कुछ है इनके पास, आर्मर वगैरह नहीं है, लेकिन इन्होंने जब नॉकआउट किया तो ये पूरा कन्फर्म करना चाहते हैं उनको। DN की अगर मैं बात करूँ तो देखिए रेगल टॉस यहाँ पर अवेलेबल है जो कि नॉकआउट हो चुके हैं, और ये देखिए सारी लूट गिराई लेकिन सामने वाले प्लेयर ने कहा भाई लूट तो हम आपकी ले ही लेंगे, पहले हम आपको मारेंगे उसके बाद हम आपकी लूट लेंगे। फ्रीक वाइटी अच्छी सोच, देखिए अभी तक भगे चले जा रहे हैं पीछे 12 नंबर की टीम, हालांकि पीछे जरूर थी इनके लेकिन इन्होंने कहा कि भाई हमको पकड़ना मुश्किल ही नहीं, थोड़ा सा नामुमकिन है, तो पकड़ नहीं पाए उनको। चलिए टीम मैक्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर डाकू की टीम भी फाइट लेने की कंडीशन में मुझे लग रही है, तो चलिए इनकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर डाकू की टीम की अगर मैं बात करूँ तो देखिए डाकू राजेंद्र गुरदास, डैथ के दीप और शैडो के अजीत यहाँ पर अवेलेबल है, और डैथ के गुरी ने वहाँ पर फाइट लेना स्टार्ट कर दिया है। टीम नंबर 16 के प्लेयर की अगर मैं बात करूँ तो देखिए काफ़ी देर से स्पॉट कर ही रहे थे टीम नंबर 5 को, और टीम नंबर 5 के यहाँ पर 2 प्लेयर जो है वो ऑलरेडी नॉकआउट हो ही चुके हैं, तो ये भी देखना होगा कि बाकी की टीम किस तरीके से फाइट लेती है। देखिए डैथ के गुरी भी वहाँ पर आ गए हैं, लगातार DP का स्प्रे कनेक्ट करने की कोशिश, और बहुत ही प्यारा वाइपआउट इन्होंने दिया है अपनी टीम के लिए, 2 किल उन्होंने सामने वाली टीम के जो है वो कंफर्म कर दिए हैं। यहाँ पर मैवरिक की अगर मैं बात करूँ तो देखिए M16A4 लेके ये बैठे हुए हैं, तो इनको भी देखना पड़ेगा कि किस तरीके से ये फाइट लेंगे, जहाँ पर पहले 4 की स्ट्रेंथ थी अभी फिलहाल 2 की हो गई है, तो इनको ये भी चीज़ मैटर करेगी, क्योंकि अगर आपकी स्ट्रेंथ ऐसे ही कम होती गई इतनी जल्दी जल्दी तो फिर आप कहाँ पर स्टैंड करेंगे, ये बहुत मुश्किल वाली होती बात हो जाएगी। स्पेंसर को हालांकि इन्होंने स्पॉट जरूर कर लिया है लेकिन शॉट कन्फर्म ना होने की वजह से इन्होंने जो है वो अपनी लोकेशन रिवील नहीं की, जो कि एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर ये अभी अपनी लोकेशन यहाँ पर रिवील कर देते हैं तो सामने वाली टीम जाहिर सी बात है इनका फायदा उठाने की पूरी पूरी कोशिश करेगी। देखिए देखा इन्होंने और बहुत ही प्यारा नॉकआउट यहाँ पर मिस्टर रूडी के द्वारा डैड के स्पेंसर को नॉकआउट कर दिया गया है। डैड के गुरी सामने गए उनको बचाने के लिए, तो देखना होगा कि बचा पाएंगे या नहीं, क्योंकि मैवरिक की अगर मैं बात करूँ तो ये भी राइट की तरफ से पूरा का पूरा देखिए रश मारते हुए नजर आ रहे हैं, और स्पॉट तो इन्होंने कर ही लिया है, बाकी नॉकआउट जो किया था वो भी बहुत शानदार था, तो अब देखते हैं इनका रश कितना जो है वो यहाँ पर
सक्सेसफुल रहता है, क्योंकि कोशिश अगर मैं बात करूँ तो सारी टीम्स के द्वारा बहुत अच्छी कोशिश जो है वो की जा रही है। देखिए इंस्टेंटली अंदर आए, कोई मौका नहीं देना चाहते हैं, देख लिया उन्होंने, देखिए गन शॉट लगाए और नीचे आए दोनों के दोनों प्लेयर, देखिए देखा उनको बहुत ही प्यारा नॉकआउट, देखिए पूरा फिनिश करने की कोशिश, हालांकि पूरा फिनिश करने में नॉकआउट जरूर हुए। मिस्टर रूडी ने उनको देखा और नीचे देखिए नॉकआउट पड़े हो गए, वो भी कोशिश कर रहे हैं, देखिए मिस्टर रूडी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपने प्लेयर को जो है वो बचा लिया जाए, नेड को किया जा रहा है, उनके द्वारा फेक भी दिया गया और यहाँ पर देखिए रिवाइविंग के लिए बैठे, वो इंस्टेंटली रिवाइव कर रहे हैं यहाँ पर और स्मोक कर दिया है नीचे डेड के गुरी की, अगर मैं बात करूँ तो डेड के गुरी को भी देखिए रिवाइव दिया जा रहा है। तो दोनों ही टीम के प्लेयर वहाँ पर नॉकआउट हुए और दोनों के ही टीम जो है वो वहाँ पर एक दूसरे को नॉकआउट करने के बाद रिवाइव देती हुई अपने टीममेट्स को, जो कि बहुत ज़रूरी है। देखिए मेडिक्स के नाम पे इन पे सिर्फ 5 बैंडेजेस है, इन्होंने पहले बूस्टर लगाया उसके बाद मेडिक्स जो है वो यूज किए जा रहे हैं, वहाँ पर नेड कुक किया गया शायद दोबारा से, मुझे लग रहा है नेड या स्मोक कुक किया जा रहा है यहाँ पर डेड के स्पेंसर के द्वारा, देखिए फेंका गया अंदर और बहुत ही प्यारा ग्रेनेड, हालांकि कोई डैमेज नहीं हुआ लेकिन ग्रेनेड बहुत ही सही फेंका, देखिए एक ग्रेनेड इन्होंने स्टेयर्स पे भी फेंका लेकिन प्लेयर इंस्टेंटली जो है वो वहाँ से हटे, जो कि एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पर अगर इनकी बात करूँ तो इन्होंने देखिए फिर से दिमाग लगा दिया है यहाँ पर, आईक्यू यूज लेवल इनका बहुत तगड़ा लग रहा है, देखिए ऊपर चले गए हैं क्योंकि इनको पता है कि अगर नीचे ग्रेनेड आते रहे तो कुछ भी हो सकता है, उससे बचने के लिए इन्होंने जो है वो इंस्टेंटली अपने आप को रूफ टॉप पर धकेला और वो बहुत ही बेहतरीन इनका जो मूव है, देखिए स्मोक किया कन्फ्यूज़ करने की कोशिश और फाइनली जो है वो दोनों ही प्लेयर रूफ टॉप पर चले गए हैं, पोजीशन स्विच की, देखिए अगले वाले बिल्डिंग में गए, सामने की तरफ आ गए हैं और अगर उनको पता ही शायद पता चल गया है, जी हाँ पता चल गया है यहाँ पर स्पेंसर को, स्पेंसर को धोखा देने की कोशिश जरूर की गई थी लेकिन स्पेंसर ने इनको स्पॉट कर लिया है। तो अभी एक प्लेयर अभी भी ऊपर ही है, मैवरिक जो है वो कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि वो बिल्कुल ऊपर अवेलेबल है। यहाँ पर अगर मैं सुजुरो की बात करूँ यहाँ पर, तो देखिए सुजुरा यहाँ पर कैंप कर रहे हैं और इनके बिल्कुल पास में जो है वो आ ही चुके हैं हमारे मिस्टर रूडी, क्योंकि मैवरिक तो अभी भी ऊपर है, देखिए देखा है इनको और ये कैंप करते हुए यहाँ पर देखिए डेड हुए, पूरा ख़त्म किया, कोई मौका नहीं, 2-on-2 की गेम प्ले में कन्वर्ट कर दिया है यहाँ पर, पहले जो 2-on-3 की गेम प्ले थी, बहुत अच्छी गेम प्ले का नज़ारा यहाँ पर, हालांकि दोनों ही टीम देखिए डोमिनेट करने की कोशिश कर रही है तो वो एक अच्छी चीज़ देखने में लग रही है। मैवरिक की अगर मैं बात करूँ तो ऑलरेडी ये ऊपर जा ही चुके थे, डेड गुरी की अगर मैं बात करूँ तो देखिए लोकेशन स्विच इन्होंने कर ही लिया ताकि थोड़ा सा मिड रेंज से अगर ये देखेंगे तो सामने वाले को स्पॉट कर लेंगे और स्पॉट कर भी लिया है, बहुत प्यारा स्पॉट किया, मैवरिक को नॉकआउट मार दिया गया है। डेड के स्पेंसर देखिए आगे की तरफ आएंगे जरूर, 5 बैरल शॉटगन इन्होंने अपने हाथ में ले रखे, देखिए एके में स्विच किया, एफपीपी में कन्वर्ट करके भाग रहे आगे की तरफ, देखने की पूरी पूरी कोशिश, वहां पर एके में इन्होंने 2x स्कोप लगाया हुआ है, तो देखते हैं कि इनको स्पॉट कर पाएंगे या नहीं। मिस्टर रूडी ने देखा इनको और बहुत ही प्यारा यहाँ पर उजी का स्प्रे कनेक्ट होता हुआ, पूरा केस देखिए कन्फर्म करने की कोशिश, बहुत ही प्यारा स्प्रे, डेड गुरी की हेल्थ देखिए आप, लेकिन स्प्रे जो इन्होंने कनेक्ट करने की कोशिश की थी वो बहुत ही शानदार था। मैवरिक पूरे फिनिश हुए वहाँ पर, अब यहाँ पर मिस्टर रूडी अपनी टीम के अकेले रिप्रेजेंटेटर बचे हुए हैं, तो मिस्टर रूडी को देखना होगा कि अब वो फाइट कैसे तरीके से पिक करते हैं। देखिए यहाँ पर मज़े ले रहे हैं, ये पूरा ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ट्रोल कर रहे हैं उनको, और मुझे लग रहा है कि इनको पूरा फिनिश कर देना चाहिए क्योंकि अगर ऐसे ट्रोल करते रहे, आगे आए और देखिए बहुत ही प्यारा वाइप आउट, मैं यही कह रहा था कि ट्रोल नहीं करना चाहिए आपको, अगर आपको किल करने का मौका मिल रहा है तो आप फटाफट से किल कीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो देखिए सामने वाले का एक प्लेयर यहाँ पर बच चुका है और उनके प्लेयर की जो स्ट्रेंथ है वो दोबारा से 2 हो गई है, जो कि एक बाकी की टीम्स के लिए अच्छी न्यूज़ नहीं होगी, लेकिन वहाँ पर वो एक किल जरूर सिक्योर कर सकते थे लेकिन उन्होंने ट्रोलिंग में बिलीव रखा और इसी वजह से जो है वो किल सिक्योर उन्होंने नहीं कर पाया है। चलिए यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या सीन है। असैसिन की अगर मैं बात करूँ तो देखिए असैसिन यहाँ पर अवेलेबल है और सामने से जो है वो स्पॉट करने की कोशिश इनको की जा रही है। यहाँ पर डीएन के फ्रीक वाइटी भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, देखिए सामने की अगर मैं बात करूँ तो असैसिन बिल्कुल इनके सामने ही अवेलेबल है, तो इनको भी देखना पड़ेगा कि किस तरीके से ये फाइट ले रहे हैं। बाकी की टीम्स की अगर मैं बात करूँ तो देखिए यहाँ पर ये अवेलेबल है, इनको भी देखना पड़ेगा क्या सीन चल रहा है। ईएक्सपी की अगर मैं बात करूँ तो देखिए साइक्लॉप्स कैलिप्सो यहाँ पर अवेलेबल है और ओपन में फाइट है, ईएक्सपी की पूरी टीम यहाँ पर अवेलेबल है। देखिए लूट्स वगैरह का ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो चल रहा है यहाँ पर, एक दूसरे को जो है वो लूट्स आदान प्रदान की जा रही है ताकि सभी के पास जो है वो अच्छे लूट हो, ड्यूरिंग द फाइट जो है वो उनको फटाफट से जो है वो मारा जा सके या सपोर्ट किया जा सके उनको, तो वो भी देखना पड़ेगा यहाँ पर। डैन की अगर मैं बात करूँ तो देखिए अभी एक इनके पास भी मैवरिक नाम का प्लेयर है, ये भी बैठे हुए हैं, मस्त कैंपिंग कर रहे हैं, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है इनके पास। और किसकी बात कर लेते हैं हम, चलिए इन्फिनिटी की बात करते हैं। यहाँ पर इन्फिनिटी की अगर मैं बात करूँ तो देखिए रूबल
अर्जन, लव और स्ले के थोर यहाँ पर अवेलेबल हैं। हालांकि जिस लोकेशन पे ये हैं कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, अभी फाइट नहीं हो रही है इनकी। एनआर की टीम की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो देखिए एनआर के मिस्टिक, डिसऑर्डर, WF के पैरासाइट और NRG के ही यहाँ पर वार्सन अवेलेबल हैं। इनकी भी फ़ाइट मुझे लग रहा है कि शायद यहाँ पर टीम नंबर 2 से हो सकती है, क्योंकि 2 नंबर की टीम बिल्कुल पास में है। देखिए 17 नंबर ने वहाँ पर गनशॉट जरूर लगाया, और ये देखिए डार्सिया कंट्रोल नहीं हुई, तिरछी हो गई है लेकिन फिर से खड़ी हुई अच्छी सी। अगर वो दोबारा से जो है वो अगर वो सही से नहीं आती खड़ी होती, तो मे भी वहाँ पर इनके लिए दिक्कत पैदा हो सकती थी। वहाँ पर लगातार कैंप किया जा रहा है। यहाँ पर बीस्ट की बात करते हैं तो देखिए बीस्ट के साइको यहाँ पर अवेलेबल है। इन्होंने भी जो है वो टीम नंबर 16 को यहाँ पर देखिए स्पॉट लिया है। टीम नंबर 16 ने अभी यहां पर फाइट पिक की थी, और दो किल इनके, दो ही प्लेयर इनके बचे हुए हैं। 3-मैन स्क्वाड था, एक प्लेयर जो है वो इन्होंने ऑलरेडी लूज आउट कर दिया है। तो देखना है ये दो प्लेयर जो पूरी 19 नंबर की टीम यहां पर आ चुकी है उससे किस तरीके से फाइट लेंगे। बिल्कुल पीछे की अगर मैं बात करूँ तो देखिए दूर दराज यहां पर जो यहां पर रिज अवेलेबल है, जो हिल अवेलेबल है, वहां पर अवेलेबल है टीम नंबर 12। वो भी इन पर नजर रखे हुए कि किसी भी तरीके से फाइट्स होगी तो फिर ये थर्ड पार्टी करने का सीन बनाएंगे। इन्फिनिटी की टीम यहां पर देखिए शायद किसी को स्पॉट किया या शायद आपस में ही पैन फाइट कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप पैन फाइट भी करते हैं तो फिर जो है वो उसके स्पॉट जो है वो आपके मैप पे दिखाई देते हैं कि कहीं पे जो है वो शॉट्स वगैरह लिए जा रहे हैं उस तरीके के। बीस्ट साइको ने यहाँ पर देखिए हमला कर दिया है, तो चलिए दोबारा से वापस चलते हैं बीस्ट साइको की तरफ, क्योंकि 19 नंबर की टीम यहाँ पर मुझे फाइट लेती हुई नजर आ रही है टीम नंबर 12 से। जी हाँ, पीछे यहाँ पर दो प्लेयर थे डेड के, उनको स्पॉट नहीं किया, लेकिन शायद ये टीम नंबर 12 से जो है वो फाइट ले रही हैं, जो कि पोचिंकी के पास जो स्क्वाड हाउस अवेलेबल होते हैं वहाँ पर अवेलेबल हैं। तो अभी देखना पड़ेगा इनको भी किस तरीके से सीन बनेगा ये। तो सबसे पहले तो दोबारा यार जिसने भी स्ट्रीम को गाइज अभी तक लाइक नहीं किया, गाइज स्ट्रीम को फटाफट से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। चलिए यहाँ पर चलते हैं रब्बू के पास चलते हैं। देखिए रब्बू जी यहाँ पर अवेलेबल हैं, और रब्बू की अगर मैं बात करूँ तो देखिए पड़ा इनको, शॉट्स कनेक्ट किए गए वहाँ से पीछे से, और बहुत ही बढ़िया शॉट कनेक्ट हुए। देखिए हेल्थ देखिए अगर आप उनकी अगर हेल्थ की बात करूँ तो सीधे सीधे यहाँ पर 60% हेल्थ जो है वो डाउन कर दिए यहाँ पर डेड के गोरी की। ऊपर की तरफ जा रहे हैं चूँकि बॉम्बिंग चल रही है, मुझे लग रहा है अभी थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए, और होल्ड किया इन्होंने, क्योंकि अगर ऊपर डायरेक्ट निकल जाते तो मे भी वहाँ पर बॉम्बिंग एरिया से भी नॉक हो सकते थे। तो चलो देखते हैं आगे, यहाँ पर मैक्स के पास चलते हैं। देखिए अलंकार की बात करूँ तो यहाँ पर अभी गनशॉट चलते हुए दिखाई दे रहे थे, तो EXP की बात करूँ तो वो भी यहाँ पर गनशॉट ले रहे हैं। तो जैसे इनकी फाइट होगी हम उनको जरूर कवर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर चले बीस्ट के पास दोबारा चलते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि इनकी फाइट शायद वो दो प्लेयर जो बचे हुए हैं उन्होंने ले लिए। देखिए एक प्लेयर इनका नॉकआउट भी कर दिया है। जी हाँ, डेड गुरी यहाँ पर स्पॉट हुए, गनशॉट्स की कोशिश बहुत शानदार। देखिए डेड गुरी भी लगातार स्प्रे कर रहे हैं वहाँ पर, M416 है। देखिए गेट को ब्लास्ट कर दिया है, एक अच्छी चीज़, ताकि पूरा का पूरा जो है वो व्यू इनको मिल सके। ये एक बहुत अच्छी सोच है इनकी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी भी होता है। देखिए ग्रेनेड को कुक किया, फेंका वहाँ पर सामने की तरफ, और मुझे लग रहा है फिर से नॉक देखने को मिलेगा। जी हाँ, वहाँ पर डेड के स्पेंसर ने हमला कर दिया है। जी हाँ, दो प्लेयर ने जिस तरीके से यहाँ पर चार प्लेयरों की नाक में दम करके रखा है वो बहुत ही शानदार है। जी हाँ, दोनों ही प्लेयर जो है वो परेशान करके रखा हुआ है इन्होंने, बहुत ही प्यारा नॉकआउट यहाँ पर। देखिए क्या शानदार नॉकआउट किया है, दोबारा से गनशॉट ट्रांसफर हुए, जोशी को भी नॉक किया एक प्लेयर, पूरा इन्होंने खत्म कर दिया यहाँ पर। तो अब यहाँ पर बीस्ट के साइको अकेले बचे हुए हैं, और बीस्ट के साइको मुझे लग रहा है कि 1v2 का इनको क्लच मारना होगा, और इनको भी स्पॉट किया गया वहाँ से। बहुत ही बेहतरीन गेम प्ले यहाँ पर टीम नंबर 16 के द्वारा, काफ़ी शानदार वाइपआउट। देखिए 8 किल टोटल इन्होंने कंफर्म कर दिए हैं, और बहुत ही बेहतरीन 8 किल वो यहाँ पर। टीम GSC की अगर मैं बात करूँ तो देखिए यहाँ पर GSC के पांडा, अमृत, स्पाइडी और S10 अवेलेबल हैं यहाँ पर। तो देखते हैं इनका गेम किस तरीके से रहेगा। और बेसिकली ये जो स्क्रीन गाइस जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, जिसको ऑर्गेनाइज किया गया है, उनके ऑर्गेनाइजर हमारी GSC की टीम ही है। तो गाइस एक बार चैट पे #GSC जरूर लिखें यार, उनको सपोर्ट करें, उनको ज़रूर सपोर्ट करें गाइस, क्योंकि इस तरीके की स्क्रीम्स आपके लिए वो लेके आ रहे हैं, आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप सभी लोग जो है वो उनके साथ मिलकर प्रैक्टिस कर सकें। तो एक बार सपोर्ट में उनके #GSC जरूर लिखिएगा चैट पर, ताकि हम उनको जो है वो एक सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें कि भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इस तरीके की स्क्रीम्स आप बनाते रहिए, ताकि और भी टीम्स जो हमारी अंडरडॉग टीम्स हैं उनको प्रैक्टिस करने का मौका मिल सके और आगे बढ़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म उनको मिल सके वहाँ पर।
तो चले यहाँ पर चलते हैं असासिन की अगर मैं बात करूँ तो देखिए शायद फाइट होती हुई नज़र आ रही है मुझे टीम नंबर 12 की। यहाँ पर कोशिश तो लगातार की जा रही है। यहाँ पर टीम जीएससी की अगर मैं बात करूँ तो ये भी देखिए यहाँ पर शायद आपस में पेन फाइट कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि अगर आप पेन फाइट भी करते हैं तो वहाँ पर आपकी टीम जो है वो स्पॉट हो जाती है, मैप में दिखाई देता है कि कहीं से जो है वो शॉट्स लिए जा रहे हैं। स्पेड की अगर मैं बात करूँ तो देखिए 1v4 के प्लेयर हैं ये, देखिए तुरंत इन्होंने एनर्जी ड्रिंक लगाई यहाँ पर टीम नंबर 2 के सामने, यहाँ पर 1v4 करते हुए नज़र आ रहे हैं टीम 15 के। स्पेड SSR देखिए बाहर थे, इंस्टेंटली जो है वो अपने आप को हाउस के अंदर लेके गए, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि अगर आप कवर टू कवर फाइट लेते हैं तो फिर आपके चांसेस वहाँ पर सर्वाइव करने के बढ़ जाते हैं। वाटर सिटी में अभी हम लोग अवेलेबल है, देखिए ऊपर से अगर मैं नज़ारे की बात करूँ तो क्या खूबसूरत यहाँ पर देखिए वाटर सिटी का नज़ारा जो है वो देखने को मिल रहा है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर देखिए वाटर सिटी का देखने को मिल रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। टीम की अगर मैं बात करूँ तो 2 नंबर की टीम वहाँ पर अवेलेबल है, देखिए 15 नंबर की टीम से इनकी फ़ाइट होने वाली है, तो वो भी हमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो है वो फाइट लेंगे ये। तो #GSM टाइप करना है गाइज आपको सपोर्ट के लिए, यहाँ पर #GSM टू शो द सपोर्ट फॉर GSM टीम द ऑर्गेनाइजर ऑफ द Tier 3 स्क्रीम डेट यू आर वॉचिंग राइट नाउ। जी हाँ, तो 2v4 1v4 है, देखते हैं कितना सर्वाइव करेंगे। मे बी अगर एक दो प्लेयर को भी वहाँ पर वो नॉक एंड फिनिश कर देते हैं तो मुझे लग रहा है सामने वाली टीम के लिए थोड़ा सा वहाँ पर दिक्कत कर सकता है वो चीज़। ओके, तो मैक्स की टीम की अगर मैं बात करूँ तो एक ही यहाँ पर मैक्स की टीम आ चुकी है और देखते हैं क्या सीन होने वाला है। मैक्स इन्फर्नो यहाँ पर अवेलेबल हैं, हेल विक्टर भी अवेलेबल हैं यहाँ पर, मैक्स के टेक ओवर यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो इनको भी देखना पड़ेगा। टीम नंबर 20 जो है वो यहाँ पर देखिए टीम नंबर 4 के साथ मुझे लग रहा है शायद एक प्लेयर फंस चुका है यहाँ पर, इन्फर्नो फंस गए हैं। देखिए इनकी हेल्थ काफ़ी डाउन हो गई है, हालांकि पीछे से सपोर्ट जरूर किया जा रहा है इनकी टीममेट के द्वारा, लेकिन अगर ये ओपन में नॉक होते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी यहाँ पर। देखिए डाकू की पूरी टीम बिल्कुल ओपन में है यहाँ पर। मैक्स इन्फर्नो की बात करूँ तो ये भी देख रहे हैं, और बहुत ही प्यारा ग्रेनेड था, काफ़ी शानदार ग्रेनेड, बहुत हेल्थ कम हुई। एक और ग्रेनेड अगर आता है तो बिल्कुल नॉकआउट के चांसेस बढ़ जाएंगे इनके पास। चूँकि सिर्फ बैंडेजेस ही हैं इसीलिए ये भी थोड़े से परेशान हो रहे हैं कि भाई बैंडेजेस ही मेरे पास सिर्फ अवेलेबल हैं तो हम क्या कर सकते हैं उस केस में, तो वो भी हमें देखना होगा। तो देखिए यहाँ पर आ तो गए हैं और जिस तरीके से रिजिस को इन्होंने ले लिया है वो बहुत शानदार। चलिए दीप की अगर मैं बात करूँ तो बहुत अच्छे रिच पे हैं, शायद वहाँ से स्पॉट कर सकते हैं, क्योंकि विक्टर को इन्होंने स्पॉट कर लिया है। और विक्टर की अगर मैं बात करूँ तो देखिए स्पॉट होने के बाद तुरंत जो है वो अपने आप को कवर में लेके आए, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। और ये टूर्नामेंट नहीं है गाइज, ये हमारी Tier 3 की स्क्रिम्स हैं। अगर आप इनको खेलना चाहते हैं तो आप डिस्कॉर्ड कह रहा हूँ व्हाट्सएप सर्वर ज्वाइन कर सकते हैं जी। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर ज्वाइन कीजिए, सारी इन्फो आपको वहीं पर प्रोवाइड की जाएगी। चलिए तो आप दोबारा यहाँ पर चलते हैं, देखते हैं क्या सीन है। ओके, 17 नंबर का भी बंदा यहाँ पर पास में अवेलेबल है, देखिए गाड़ी लेके घूम रहे हैं वो भी। यहाँ पर सिप्टिक की अगर मैं बात करूँ तो क्रिप्टिक के हाइपर और LFC अवेलेबल हैं, देखिए 2 ही प्लेयर हैं, 2v4 करते हुए नज़र आ रहे हैं ये भी। स्पेड के SSR अकेले हैं और पानी के अंदर हैं, देखिए सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पर। टीम GSC वहाँ पर निकलती हुई नज़र आ रही है। NRG की अगर मैं बात करूँ तो ये लोग भी देखिए सर्कल में नज़र आ रहे हैं क्लोज इन करते हुए, जो कि ज़रूरी भी है। पीछे से हालांकि डाकू की टीम के द्वारा लगातार स्प्रे किया जा रहा है, कनेक्ट भी हुए 1-2 शॉट वहाँ पर, जैसा कि आपने देखा थोड़ी सी हेल्थ इनकी जो है वो डाउन हुई थी वहाँ पर। तो अभी देखना होगा बाकी की चीज़ें किस तरीके से होती हैं। चलिए कार्तिक के पास चलते हैं, कार्तिक भी बहुत अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए देखा इन्होंने स्प्रे कनेक्ट करने की कोशिश की, टीम नंबर 18 का एक प्लेयर ऑलरेडी डाउन है, एक प्ले जोन से मर गया है। देखिए लगातार स्प्रे और आयरन साइट के हम चला रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी यार, बहुत ही अच्छी चीज़ है फिर कि किस तरीके से ये चला रहे हैं यहाँ पर। तो दोबारा से यार जिसने भी स्ट्रीम को लाइक नहीं किया गाइस फटाफट से स्ट्रीम को लाइक कर दीजिए। ज्वाइन करने के लिए आप जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। देखिए पूरी की पूरी 2 प्लेयरों को ख़त्म कर दिया गया है, इनको भी स्पॉट किया गया है, लेकिन चूंकि ट्री के पीछे हैं, अपने आप को हाइड किया हुआ है इन्होंने पेड़ के पीछे। अब कब तक ट्री का कवर लेते हुए ये वहाँ पर बच पाएंगे ये तो हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर 4 प्लेयर एक साथ वहाँ पर व्हीकल के साथ रश मार देते तो मे भी इनके लिए दिक्कत हो सकती है। देखिए ये लोग की अगर मैं बात करूँ तो निकले वहाँ से, देखिए धुआं थार स्प्रे करते हुए जो है वो जा रहे हैं, मतलब
जा रहे हैं तो बताते हुए जा रहे हैं कि भाई कोई भी बंदा पंगे मत लेना, B4U की टीम जो है वो निकल रही है माहौल से। तो वो चीज़ देखना होगा कि कहाँ तक ये अपने आप को ले जा पाएंगे। सर्कल बहुत, जैसे जैसे सर्कल छोटा होता जा रहा है गाइस, वैसे वैसे एक्शन भी जो है वो हमें दिखाएगा यहाँ पर, बहुत बड़ा बढ़िया एक्शन जो है वो हमें देखने को मिलेगा। टोटल टीम्स की बात करूँ तो देखिए 22 टीम्स के साथ हमने स्टार्ट किया था, अभी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 18 टीम्स मुझे दिखाई दे रही हैं, जिनमें से 56 पीपल जो है वो अलाइव हैं। और देखिए देखा इन्होंने बाहर आए वो, और मुझे लग रहा है यहाँ पर अब क्लोज कॉम्बैट की दिखेगी। देखिए गाड़ी रोक दी है, इंस्टेंटली उतरे वहाँ पर, वो लोग भी ऊपर आए, लगातार गन शॉट्स का ट्रांसफर यहाँ पर, मैक्स के दो प्लेयर यहाँ पर हैं, बाकी के नीचे, और फाइनली नॉकआउट कर दिया गया है। नीचे उतरे उनको भी देखिए, सीधा नीचे जाना चाहते थे, जा नहीं पाए, और फाइनली तीन प्लेयर नॉकआउट हो चुके हैं, विक्टर अकेले बचे हुए हैं। लेकिन जब तक ये यहाँ पर पहुँचेंगे, इनको कर दिया गया है दो प्लेयरों को नॉक एंड फिनिश। ग्रेनेड थ्रोस किए जा रहे हैं, आया ये ग्रेनेड और थोड़ा सा पीछे हटे, जो कि अच्छा है और ज़रूरी भी था पीछे हटने के लिए। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी टाइम लगा दिया है इन्होंने, क्योंकि रिवाइविंग की अगर मैं बात करूँ तो 9 सेकंड का समय लगता है, लेकिन अगर वो ग्रेनेड ऐसी थ्रो करते रहेंगे तो तब तक ये रिवाइव दे देंगे। और आ गए हैं वो, देखा उछलते आए और फटाक से फुल कर दिया है। बहुत ही बढ़िया गेमिंग प्ले का नज़ारा यहाँ पर B4U टीम के द्वारा, क्या डोमिनेशन भरा इन्होंने रश किया है। देखिए बहुत शानदार रश कहूँगा मैं इसको, क्योंकि आते ही इन्होंने सामने वाली टीम को मौका ही नहीं दिया संभलने का। 13 नंबर की टीम लगातार स्प्रे बनाए हुए है VSS के थ्रू, देखिए यहाँ पर 17 नंबर पर प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है। इनका भी व्हीकल यहाँ पर डिस्ट्रॉय तो नहीं किया गया, लेकिन डैमेज जरूर कर दिया गया है, साइड व्हीकल के टायर्स वगैरह जो है वो ब्लास्ट कर दिए गए हैं। हालांकि व्हीकल ब्लास्ट नहीं हुआ, बट धुआं निकलने की पूरी पूरी संभावना है वहाँ पर। चलिए B4U की बात करें तो देखिए बहुत प्यारा इन्होंने अभी ख़त्म किया, टीम नंबर 10 भी वहाँ पर फाइट पे आ चुकी है। चलिए टीम नंबर 10 के पास चलते हैं, एक प्लेयर हालांकि लूज़ कर चुके हैं, जो कि साइड डिस्कनेक्टेड था, और जैसा कि आपने देखा यहाँ पर मेरा गेम भी डिस्कनेक्टेड हुआ अभी। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, इम्यूलेटर जब जब नई अपडेट आती रहती है, वैसे वैसे इम्यूलेटर भी हमारा पगलाता रहता है और क्रैश जो है वो होता रहता है ये, तो वो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। दोबारा से हमें मौका मिलेगा तो हम गेम को पूरा कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जब तक आपके सामने एक्शन कंटिन्यू रहा है, दोबारा से यार स्ट्रीम को गाइस लाइक कर देना या शेयर कर देना, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि मैंने आपके कहा था कि जैसे जैसे टीम आगे बढ़ती जाएगी, मतलब कि हमारे चैनल को सपोर्ट मिलता जाएगा, सब्सक्राइब काउंट बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे मैं आपके लिए और भी बेहतरीन बेहतरीन कंटेंट लाता रहूँगा। तो वही प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए कभी Tier 3 कभी Tier 2 समर कप के मैचेस, इस तरीके के बेहतरीन बेहतरीन मैं आपके लिए कंटेंट जो है वो टाइम टू टाइम डिलीवर जो मैंने प्रॉमिस किया था वो कर रहा हूँ। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग भी इन रिटर्न मुझे सपोर्ट जरूर करेंगे, स्ट्रीम को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे जहाँ पर भी आप कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर अभी नए आए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो आप सब्सक्राइब भी जरूर कर देंगे वहाँ पर। चलिए हम वापस गेम में आ चुके हैं और देखते हैं किस तरीके का गेम प्ले यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तक का गेम प्ले बहुत प्यारा था। देखिए GST की बात करूँ तो यहाँ पर फाइनली GST के S10 को वहाँ पर नॉक मार दिया गया है। पांडा और अमृत यहाँ पर दो प्लेयर बचे हुए हैं, बाकी के दो प्लेयर इनके जो है वो नॉकआउट हो गए हैं, और सर्कल के बाहर ये फाइट चल रही है। देखिए 11 नंबर की टीम की बात करूँ तो फाइनली इन्होंने जो है वो यहाँ पर भाप लिया है कि भाई निकलना चाहिए हमको, क्योंकि अब बहुत ही खतरनाक माहौल यहाँ पर बनते जा रहे हैं। तो ये यहाँ पर निकल चुके हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है यहाँ पर। तो ग्रुप आपने ज्वाइन कर लिया है तो इसका मतलब ये नहीं है गाइस कि सारी इन्फो आपको इंस्टेंटली अवेलेबल की जाएगी, कल की जो स्क्रीम्स होंगी उसकी इन्फो आपको शाम तक या फिर कल सुबह अपडेट की जाएगी, वो आपको GSC के ग्रुप में ही पता चलेगा, क्योंकि आई एम जस्ट अ कास्टर गाइस, ये सारी इन्फो मुझे पता नहीं रहती है कि कब आने वाली है। तो इसीलिए आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, क्योंकि पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, अगर आप खेल रहे हैं आपको ऑब्वियस सी बात है, अगर आप कोई चीज़ भी ऑर्गेनाइज की जाएगी तो बिना प्लेयर के तो नहीं ऑर्गेनाइज हो पाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है सारी इन्फो आपको दिया जाएगा ग्रुप में। तो इसीलिए थोड़ा सा पेशेंस रखें और ग्रुप को ज्वाइन कर लें फटाफट से, ताकि कल अगर इस तरीके का ग्रुप अनाउंस हुआ या आने वाले दिनों में कभी भी अनाउंस हुआ तो ग्रुप में आपको जो है वो इन्फो दे दिया जाएगा। देखिए M249 भी चलाई जा रही है यहाँ पर कुछ प्लेयर्स के द्वारा, लगातार आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और फाइनली नॉकआउट हुए बीच में। काफ़ी अच्छा स्प्रे वहाँ पर हाइश के लिस्पड़ा के द्वारा, जी हाँ लाइफ बिड्डी है, काफ़ी खतरनाक सा नाम उन्होंने रखा हुआ है, और ये निकल गए हैं आगे। लेकिन जिस तरीके से स्प्रे उन्होंने कनेक्ट किया था और एक प्लेयर को इनको डाउन किया, वो बहुत ही शानदार था। ओके तो चलिए यहाँ चलते हैं, देखते हैं यहाँ क्या सीन है। ये लोग भी आगे निकलने की कोशिश कर ही रहे हैं, देखिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं।
आगे बढ़ना पड़ेगा। और इनकी अगर मैं बात करूँ तो ये लोग भी देखिए घर में आ चुके हैं, और यहाँ पर रेंडरिंग का शायद कुछ इश्यू हो रहा है क्योंकि ब्लैक हाउसेस मुझे देखने को मिल रहे हैं। और चलिए यहाँ देखते हैं यहाँ क्या सीन है। वाटर सिटी, ओके दोबारा से गेम मेरा क्रैश हुआ जो कि अच्छी बात नहीं है। ये ऐसा होना तो नहीं चाहिए लेकिन हो रहा है, कुछ नहीं कर सकते। चलिए स्टार्ट तो कर दिया है मैंने, बाकी देखते हैं कितनी देर में स्टार्ट होगा। यूजली ऐसा होता नहीं है जैसा कि मैंने आपको बताया, लेकिन सम टाइम्स इट हैपन्स यू नो। और कल का तो आपको पता ही होगा कुछ स्पेसिफिक रीज़न में जो है वो कल गेम बंद थी, मतलब चल नहीं रही थी वहाँ पर, तो वहाँ पर जो है वो गेम बंद कर दिया गया था मे बी। ओके और लगातार दिक्कत की जा रही है वहाँ पर जैसा कि आप देख ही रहे हैं। चलिए एक बार दोबारा से कोशिश कर लेते हैं कि कोशिश करना काम है हमारा। और ये रेंडरिंग का कुछ इश्यू आ रहा है जी हाँ, रेंडरिंग के इश्यू की वजह से ये बार बार डिस्कनेक्ट कर रहा है जैसा कि आप देख ही रहे हैं। ओके गाइस मैं वापस आ गया हूँ, आप लोग रिफ़्रेश कर लीजिए स्ट्रीम को क्योंकि हम लोग वापस आ चुके हैं। रिफ़्रेश कर लीजिए स्ट्रीम को, वी आर बैक। जैसा कि आप देख रहे हैं स्ट्रीम को रिफ़्रेश कर लीजिए, मैं दोबारा से बता रहा हूँ हम लोग वापस आ चुके हैं यहाँ पर। स्ट्रीम को एक बार रिफ़्रेश कर लीजिए, हम लोग वापस आ चुके हैं यहाँ पर। टीम्स की अगर मैं बात करूँ तो देखिए टॉप 5 टीम्स यहाँ पर बची हुई हैं, और जैसा कि मैंने आपको कहा कि कई बार चीज़ें मुझे अचानक से सेट करनी पड़ती हैं। देखिए बैलेंस पे दोबारा ये आ गया है, जैसा कि आप लेफ़्ट बॉटम कॉर्नर पर अगर आप देखेंगे तो पूरा सिस्टम मुझे जो है वो फ्रेश करना पड़ा। तो फिर हम इस तरीके से जो है वो वापस आ पाए हैं। बहुत ही प्यारा यहाँ पर स्प्रे देखिए टीम नंबर 23 के द्वारा, काफ़ी अच्छा कनेक्ट किया है इन्होंने, काफ़ी अच्छा कनेक्ट किया है यहाँ पर स्प्रे की अगर मैं बात करूँ। कोशिश लगातार जारी है इनकी तरफ से, देखिए फिर से स्प्रे जो है वो वहाँ पर कनेक्ट किया जा रहा है। और 6 नंबर की टीम भी कोशिश कर ही रही है लगातार। अगर मैं 6 नंबर की बात करूँ तो देखिए नेड फेंका गया वहाँ पे, बहुत ही प्यारा ग्रेनेड। चलिए शैडो अजीत के पास चलते हैं, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर। तो दोबारा से यार जिसने भी स्ट्रीम को फटाफट से यहाँ पर लाइक नहीं किया गाइस, फटाफट से स्ट्रीम को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया गाइस सब्सक्राइब कर दीजिए। टॉप 4 का एक्शन बचा हुआ है, देखिए 7 प्लेयर यहाँ पर बचे हुए हैं जो कि हमारे टॉप 4 टीम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए डैड के वो दो बंदे भाई लास्ट तक लेके आए हैं अपनी टीम को, बहुत प्यारी गेम प्ले यहाँ पर डैड की टीम ने खेली है। और डैड स्पेंसर और डैड गुरी की बात करूँ, टोटल किल्स अगर मैं देखूँ तो देखिए 15 किल उन्होंने निकाले हैं भाई, बहुत ही फ्यूरियस गेम प्ले हमें डैड के द्वारा देखने को मिला है, बहुत फ्यूरियस गेम प्ले। ऊपर से देखें तो देखिए ग्रेनेड कोक करके फेंक रहे हैं, शैडो अजीत वहां पर प्ले जोन से नॉक एंड कंफर्म फिनिश हुए वहां पर। B4U की टीम भी लगातार कोशिश कर रही है अपने आप को सर्वाइव करने की, डैड के गोरी को फाइनली नॉकआउट मार दिया गया है। दो ही टीम है, 1v3 का गेम प्ले है। तो अब यहाँ पर डेड स्पेंसर के पास पूरा पूरा दारोमदार है, देखा गया इनको MK14 काफ़ी अच्छा स्प्रे कनेक्ट किया, रीलोड किया, दो प्लेयर नॉकआउट किया और फाइनली दो प्लेयर एक साथ थे तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर वाइप आउट किया गया इनको, बहुत ही प्यारा वाइप आउट। वरना जिस तरीके से किल वहाँ पर कन्फर्म किए थे वो बहुत ही शानदार था MK14 स्पेशली। अगर वो रीलोड नहीं करते मुझे लग रहा है स्प्रे शायद थोड़े से बुलेट्स बचे होते या फिर गन स्विच करके जो है वो सामने दोनों को मार सकते थे। चलिए टीम B4U ने बहुत अच्छा खेला, देखिए 16-5 21 किल के साथ जो है वो गेम निकाली है। डैड की अगर मैं बात करूं तो देखिए 15 किल उन्होंने निकाली हैं। डाकू की टीम 0 किल के साथ थर्ड प्लेस पे आई। DATC की टीम यहां पर देखिए DC IG और मिक्स्ड क्लैन लग रही है शायद, 2-3 किल यहां पर इन्होंने निकाले। क्रिप्टिक की बात करूँ तो 4 और 2-6 किल इन्होंने भी निकाले हैं। TOT की टीम की अगर मैं बात करूँ GSC जो कि ऑर्गेनाइजर थे इस स्क्रीम के, यहाँ पर देखिए 4-2-6 किल इन्होंने निकाले। असासिन की टीम की अगर मैं बात करूं तो 4 किल इन्होंने भी निकाले हुए हैं।
4-2-6 के लिए यहाँ पर हाइस्ट की टीम ने निकाले हुए हैं 0 किल के साथ। स्लेक इन्फिनिटी की टीम रही है 0 किल के साथ ही। स्पेड SSR जो कि 1v4 कर रहे थे, GSC का एक और स्क्वाड यहाँ पर 0 किल के साथ। एनार्की 0-0-0 के बाकी सारे ही 0 लग रहे हैं मुझे। ओके, 1 किल यहाँ पर यू प्रो ब्रो ने निकाला है अपनी टीम के लिए, और 1 ही के लिए यहाँ पर SQD4B वालों ने निकाला है। 2 किल के यहाँ पर ऋत्विक ने निकाला है अपनी टीम के लिए, और बाकी सारे बिल्कुल निल हैं यहाँ पर। तो काफ़ी ख़तरनाक सा माहौल बना था भाई, बहुत ही प्यारा गेम प्ले हमें देखने को मिला है। तो दोबारा से गाइस, जिसने भी स्ट्रीम को अभी तक लाइक नहीं मारा है गाइस, फटाफट से लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आपने चैनल को अभी तक यहाँ पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चले गए, यहाँ पर एक ही स्क्रीम्स थी जो कि 4 बजे से स्टार्ट हुई थी हमारी Tier 3 की। तो अगर आगे और भी स्क्रीम्स आएंगी तो हम उनके बारे में ज़रूर देखेंगे और कोशिश करेंगे जो है वो उनका कंटेंट हम अपने चैनल पर ले सकें, या फिर कहीं पे भी स्पेक्टेट करेंगे तो मैं आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ग्रुप्स में प्रोवाइड कर दी जाएगी। तब तक के लिए आप कहीं मत जाइए, क्योंकि 6 बजे से जो है वो हमारे समर कप का एक्शन शुरू हो जाएगा हमारे टूर्नामेंट अड्डा के ऑफिशियल चैनल पर। उसको ज़रूर जाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर करना TA को, और शेयर भी कर देना स्ट्रीम को, ताकि TA के मैचेस के टाइम पे हमें बहुत ही प्यारा क्राउड वहाँ पर मिल सके। तो चले गाइस, आज का इस Tier 3 की लॉबी का सफ़र हमारा यहीं पर समाप्त होता है। मिलेंगे थोड़ी देर बाद हमारे TA वाले चैनल पर। तब तक के लिए गुड इवनिंग एवरीवन, एंड बाय बाय।